शिवानी, अरे क्या कर रही हो? भिंडी काट रही हूँ। अरे इस तरह कोई भिंडी काटता है? उंगली कट जाती तो मैं ये तो अभी भी होश में नहीं है, इस तरह तो अपना हाथ काट लेगी ये। मैं काटती हूँ भिंडी। अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप भी रहने दीजिए, हम ही काट लेते। मामा जी आप रहने दीजिए, आपके कंधे में पहले से ही दर्द है और दर्द हो जाएगा। मैं काट देता हूँ भिंडी और मैं बना देता हूँ खाना। आप हम सबके लिए खाना बनाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे आप जल्दी खाना बनाना क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी। अरे यो तो ऐसे रो रही है जैसे मैंने इसको 40 लट मार दिया। बाबी सिवानी से शेख है, जिस दिन अखाड़े में उसको 80 फीट ऊपर लटकाया था तो देख रही थी कैसे रो रही थी वो है। मामा को बचा लो। मारे मामा को छोड़ दो यानी मैं टूट जा। हमारी बेबी डॉल ऐसे ना रो भाई, ना तो फेल होगी। सब फेल होगी। हर एक मजाक सूझ रही सर, रखता है कि तो हमारे घर का दरवाजा छोटा है, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। शिवानी मारने की पटकी तो मजाक कर रही सर। कैसा बनाया मैं? अच्छा शिवानी बिटिया, खाना खा लो और जाकर आराम कर लो ताकि नशा उतर सके। ए बेबी डॉल, मर गई। खाना ऐसे क्यों बैठी है? भिंडी बहुत अच्छी बनी है। कैसे खाएंगे, हमारे हाथों में उंगलियां ही नहीं है। है तो उंगलियां नहीं है, एक भी उंगली नहीं है। हमें बहुत भूख लगी है, अब हमें खाना खिलाइए ना। ना मैं ना खिलाऊंगी, मारे को खुद खाना है। ये रंगली ना तू खिला दे मारी बहू को। जब इस मटके से सारा ठंडा पानी आपके सर पे पड़ेगा ना, तब उतरेगा आपका नशा, तब मिलेंगी आपकी उंगलियां। मालिक का नशा उतरने से पहले किसी भी तरह मालकिन का नशा उतर जाए और उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दो। क्या नया ड्रामा है? उठिए आप, उठिए। आप हमारे कमरे में क्यों घुस आए? अच्छा खासा नीचे वाले कमरे में आपको लिटा दिया था लेकिन चैन ना मिला आपको। सच में हमारे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा रहे कि समझ में ना आ रहा कि मैं क्या करूं। डाटो और डाट खूब सारा डाट। अरे कौन सी भांग पी ली आपने कि आपका नशा ही ना उतर रहा? नशा उतारने वाला काढ़ा भी पिला चुका हूं आपको, एक नहीं चार ग्लास पिला चुका हूं, फिर भी नशा ना उतर रहा। बहुत बड़ी गलती होगी हमारे से कि मालिक और सरकार से बचाने के चक्कर में आपको अपने घर ले आए। आपको जरा सा भी एहसास है कि घर में आपके मामा जी हैं, हमारी अम्मा है, अगर उन दोनों में से किसी ने भी देख लिया कि आप हमारे कमरे में हो तो क्या सोचेंगे वो? सोच तो सिर्फ आप रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो।
दूसरे लोग और क्यों सोचेंगे? क्यों सोचेंगे? हमने आपके साथ फेरे लिए, आप हमारे पति हो और ये कमरे में हमारा भी हक है ना? ये बेड हमारा है, ये कमरा हमारा है और आप हमारे। लेकिन आप होश में ना हो ना, इसलिए कुछ भी बके जा रहे हो। लेकिन बहुत हो गई आपकी बकवास, निकलो ऐसे, निकलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें सोना और हम इधर ही सोएंगे। मत जाओ, आप जाइए। नहीं, मैं नहीं निकलूंगी। मालकिन, अपना हमारा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत हो गया आपका। आप हमारे साथ बदतमीजी ना करो, मालिक की अमानत हो, इसलिए कुछ कह ना रहा हूं, लेकिन बस बहुत हो गया, जाइए आप ऐसे, जाइए। जा रहे हैं। कर रही हैं आप? आप पागल हो गई है क्या? जानती है ना, हवेली में सब नशे में, अगर आप उनके सामने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेंगी ना तो गोली मार देंगे आपको। तो क्या हुआ, आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप तो सिर्फ धक्का मारते हो, चलाते हो। चलाओ, चलाओ ना। मैंने आपको ना कमरे से जाने के लिए कहा था, घर से जाने के लिए नहीं। जब तक आपका नशा ना उतर जाता ना, आप मेरे घर से ना जा सकते। पर आप मेरे मालिक को जानती है ना अच्छे से, उनके सामने ऐसे जाएंगे ना गुस्से में तो पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे। क्या करेंगे? हम नशे में हैं, वो भी नशे में होंगे तो वो क्या करेंगे? पता है क्या, हम ना उनके साथ कुश्ती लड़ना चाहते और उनको पटक पटक के मारे। ठीक है, तो हम तो चले। अरे मालकिन, ये छोड़िए, अब चलो। नहीं, अरे चलो कुश्ती।